भी रिक्वेस्ट करूंगा टीचर्स से कि इंग्लिश लैंग्वेज पर खास ध्यान दिया जाए, क्योंकि बाहर जब आप जाते हैं तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी नहीं है तो कई बार आप रेस में पीछे रह जाते हैं। मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं तो मुझे लगता है एक दो चीज़ें ज़रूरी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूं। एक तो ज़रूरी है कि आपके पास भाषा का कमांड हो, लैंग्वेज का कमांड। यहां से आप बाहर जाएंगे तो लोगों के साथ आप हिंदी भाषा में इंटरेक्ट करेंगे, तो हिंदी भाषा पर कमांड होना चाहिए। इंग्लिश दुर्भाग्यवश ही सही, पर इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ सक्सेस टुडे। अगर आप बाहर जाते हैं तो आपके पास इंग्लिश, आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो मैं प्रिंसिपल श्री से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। दूसरी एक चीज़ है, जो किसी भी आप कंपटीशन में बैठेंगे, कहीं पर भी आप जाएंगे तो आपको काम आएगी, वो है जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान कोई बहुत बड़ी संख्या में सारे पेरेंट्स और वाली आए हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग बिल्कुल शांति से इतने देर बैठे, तो आप भी मैंने जो दो चीज़ें कही हैं इस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। अब जहाँ तक बात है, आज मैं यहाँ बैठा था तो मुझे मेरे स्कूल डेज की याद आ गई, जब मैं भी अपने एनुअल डे के लिए बहुत राह देखता था, इंतज़ार किया करता था, क्योंकि वो एनुअल डे के नाम पर पिछले एक दो महीने से प्रैक्टिस काफ़ी चलती थी और पढ़ाई लिखाई छोड़ के सब हम यही किया करते थे। तो मुझे आई एम श्योर कि आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे और इंटरेस्टेड होंगे और एक महीने से इसी के पीछे आप सब लोग लगे होंगे। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप सब लोग ज़ोरदार तालियां से अभिनंदन करें उन लोगों का जिन्होंने यहाँ पर परफॉर्म किया। और तालियां उनके लिए भी जो स्टेज पर नहीं आए, टीचर्स जो उनके पीछे थे, जिन्होंने उनको गाइड किया और जिन्होंने उनको प्रेरित किया। एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मुझे कई बार कई स्कूल्स में जाना पड़ता है और ऐसे एनुअल प्रोग्राम्स में बहुत सारे मैंने अटेंड किए हैं, बट मैं आज निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि आज जो मैंने देखा है वो किसी भी अहमदाबाद की भी बड़ी से बड़ी स्कूल्स को टक्कर देने लायक था। तो ऐसा नहीं है कि एक छोटे से शहर के, छोटे से डिस्ट्रिक्ट के, छोटे से जगह के बच्चों में टैलेंट नहीं होता है, प्रतिभा की कमी नहीं होती है, बस उसको दिशा देने की ज़रूरत होती है। और मुझे बहुत आनंद है और बहुत खुशी है कि यहाँ के प्रिंसिपल और टीचर्स ने इतनी मेहनत की है कि यहाँ के बच्चों का टैलेंट जो है वो निखर के बाहर आ रहा है और भविष्य में भी आना चाहिए। जैसे कि मेरे से पहले प्रिंसिपल साहब ने और एक दूसरे एक वक्ता ने बात की कि सिर्फ एकेडमिक एक्सीलेंस, सिर्फ क्लासरूम के अंदर की पढ़ाई सब कुछ नहीं होती। मैं भी इस पर टोटली अग्री करता हूँ। पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ें काफ़ी ज़रूरत होती हैं, जो एक आपको एक ऑलराउंड पर्सनैलिटी, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो आपका हो उसमें मदद करें। पढ़ाई तो ज़रूरी होती है, हमारे देश में ऐसा सिस्टम है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो आपको तकलीफ होगी लाइफ में, पर कई चीज़ें ऐसी हैं जो क्लासरूम के बाहर सीखने को मिलती हैं, जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, और एक और चीज़ है जो जिसके बारे में कहीं बात नहीं होती है बट जिसको हम संस्कार कहते हैं। जब मैं यहाँ पर आया था तो सब बच्चे प्राइज जब ले रहे थे तो सब ने पैर छुआ, तो ये संस्कार की बात है, जो स्कूल में संस्कार का भी सिंचन होता है जो बहुत बड़ी बात है। छोटी छोटी बातें जैसे बड़ों का सम्मान करना, चोरी नहीं करना, यहाँ पर आके किसी बच्चे ने घड़ी दी आके, और गंदगी नहीं करना, अच्छी बातें करना, सब लोग को बराबर सम्मान देना, ये चीज़ें किताबें नहीं सिखा सकती, ये चीज़ें कोई नहीं सिखा सकता है, ये चीज़ें सिखा सकती हैं एक माहौल, जो मुझे लगता है स्कूल के अंदर ऐसा माहौल है। और आप सब पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। और संस्कार के साथ साथ जैसे मैंने कहा, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ परफॉर्म किया और मैं चाहता हूँ कि अगली बार वो बच्चे यहाँ परफॉर्म करें जो यहाँ इस बार नहीं आए, क्योंकि टैलेंट हर बच्चे में होता है। मुझे अपने टाइम, अपने समय का भी याद है कि कुछ बच्चे क्लास में पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, पर वो आजकल बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं। एक लड़का जो बहुत अच्छा पेंटिंग करता था, वो आज इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रहा है, जितनी हमारी सैलरी एक साल में नहीं होती वो एक महीने में कमाता है, बस मैंने एग्जाम्पल दिया। ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारे फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिन लोग के पास सिंगिंग का टैलेंट है, डांसिंग का टैलेंट है, कुछ म्यूज़िक में अच्छा करते हैं, कुछ पेंटिंग अच्छा करते हैं, कुछ स्पोर्ट्स फील्ड पर अच्छा कर रहे हैं, आज आप बहुत लकी हैं कि आपके लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुले हुए हैं। पहले इतने करियर ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे। अभी सपोज़ आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, अगर आपको खेलकूद में इंटरेस्ट है, अभी आप टीवी ऑन करेंगे आपको एक आईपीएल मैच दिखेगा। इस तरह के बहुत सारे लीग स्पोर्ट्स में, अलग अलग लीग्स चलते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स में टैलेंट है तो आप वहाँ जा सकते हैं। आप टीवी ऑन करेंगे आपको रियलिटी शो में दिखेगा, कुछ लोग गा रहे हैं, कुछ लोग डांस कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ कुछ कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप खुद खोजिए कि मेरे अंदर क्या है, मैं किस चीज़ में अच्छा करता हूँ। ट्राई टू एक्सेल इन वन थिंग, किसी एक चीज़ में। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी पढ़ाई में ही अच्छा करे, आपके अंदर जो भी प्रतिभा है
हर बच्चा खास होता है, हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ होता है। जो टीचर्स हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, प्रिंसिपल साहब को भी, कि ये टैलेंट को और बाहर लाया जाए और ये स्कूल को ऐसा बनाया जाए कि हम डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं पूरे स्टेट में नंबर वन स्कूल कहलाया जा सके। मुझे प्रिंसिपल साहब ने कई बार स्कूल आने के लिए आमंत्रित किया, मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं पहले आ नहीं पाया, बट आज लेट से ही सही जब मैं आ पाया तो मुझे लगता है कि एक आदर्श स्कूल कैसा होता है। हम हमेशा स्पीच में कहते हैं आदर्श स्कूल ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, अभी देख के लग रहा है ऐसा होना चाहिए, तो आगे भी भविष्य में ये आदर्श स्कूल वैसा ही बना रहे ऐसी आप सब लोग मेहनत करें। और बच्चों से खास मुझे कहना है कि बड़े होने की जल्दी मना रहे हैं, अभी जो आपका टाइम है आपको लगता होगा स्टडीज़ का बहुत बर्डन है बहुत कुछ करना है, पर अभी जो टाइम है आपके लिए सबसे अच्छा टाइम है ज़िंदगी का। अभी जो आप फ्रेंडशिप करेंगे दोस्ती करेंगे वो ज़िंदगी भर याद रहेंगी। मैंने पिछले 4-5 साल में शायद ही किसी से दोस्ती की है, पर स्कूल के लोगों से अभी तक मैं टच में हूँ। तो इस टाइम को इन्जॉय करिए, अपने अंदर के टैलेंट को बाहर लाइए, और बाद में तो आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो अभी जो 2 महीने की छुट्टी है मैं स्कूल से भी कहूँगा पेरेंट्स से भी कहूँगा बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं करने का, आप इन्जॉय करिए यह समय को, बहुत याद रखिए क्योंकि भविष्य में ये टाइम आपके पास नहीं आएगा जब आप हमारे स्टेज पर आ जाएंगे। और एक अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, आजकल हमारे टाइम में मोबाइल ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी, इसलिए हम एक जगह बैठ के ऐसे ऐसे नहीं करते थे तो हेल्दी रहते थे। अभी आप लोग को अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, एक्सरसाइज कंटिन्यूस रखिए जिससे कि भविष्य में भी आपका हेल्थ अच्छा रहे, हेल्थ अच्छा रहेगा तो ही सब कुछ लाइफ में होगा। तो मैं बहुत टाइम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया है, आप सबके चेहरे से लग रहा है कि आपको भूख लगी है, तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके, बहुत मज़ा आया, आपके परफॉर्मेंस देखे जो कि बिल्कुल बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे। भविष्य में भी मैं आता रहूँगा, स्कूल का चेयरमैन भी मैं हूँ तो स्कूल की तरफ मेरी काफ़ी सारी जवाबदारी है, प्रिंसिपल साहब के साथ भी बहुत सारी बातें हुई हैं, स्कूल की प्रगति के लिए स्कूल के विकास के लिए मेरे तरफ से जो बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगा। और आप जब भी बुलाएंगे ऐसा और प्रोग्राम करिए, मैं ज़रूर आऊँगा और उम्मीद है कि हम स्कूल को बहुत आगे ले जा सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।